मेरे एजेंट हैं लंदन में और उनके थ्रू ये मुझे मैसेज आया था कि स्पीलबर्ग प्रोडक्शन की तरफ से एक ऑफर है और ये उसका स्क्रिप्ट है। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा और मुझे पता चला कि हेलन मिरेन इज ऑल्सो इन द फिल्म एंड आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज शी इज अ ग्रेट एक्ट्रेस, शी इज अ ऑस्कर अवार्ड विनर एक्ट्रेस एंड लासा हॉलस्ट्रॉम हु इज द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म इज ऑल्सो अ ग्रेट फिल्म मेकर एंड along with Spielberg, one of the producers is also Oprah Winfrey. So names like that, I was very very thrilled and happy. और role भी बहुत बढ़िया है, central role है, तो ये सब मिला के बहुत अच्छा लगा और मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने इस फिल्म में एक अहम भूमिका निभाई। देखिए, I've been working in Western films since 1990 में एक फिल्म आई थी सिटी ऑफ जॉय, जिसमें मेरा मेजर रोल था पैट्रिक स्वेजी के साथ, और उसमें बहुत अच्छे रिव्यूज मिले थे मुझे अमेरिकन प्रेस में। तो उससे फिर ये उन्होंने मुझे एक एजेंट दिया और तब से ये दुकान जो है वेस्टर्न सिनेमा की खुली है। और ब्रिटिश फिल्मों में बहुत ज्यादा काम किया है मैंने, कुछ कैनेडियन फिल्म भी की और 5-6 हॉलीवुड की फिल्म भी की, जिनमें दो बड़ी थी सिटी ऑफ जॉय और घोस्ट इन द डार्कनेस। दूसरी तीन भी बड़ी फिल्में थी लेकिन मेरे रोल जो थे वो छोटे थे, लेकिन वो छोटे रोल भी मेजर स्टार्स के साथ थे, जैसे जैक निकल्सन के साथ और माइकल डगलस, वाल किल्मर, टिम रॉबिन्स, पैट्रिक स्वेजी। तो एनीवे, तो बड़ा अच्छा लगता है वहां काम करके, बहुत डिसिप्लिन से काम करते हैं, बहुत शिद्दत से काम करते हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं। और ये कैरेक्टर जो है ये एक हिंदुस्तानी है जिसका यहाँ परिवार है और एक हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट चलाते हैं। राइट्स में उनका रेस्टोरेंट जो है बर्बाद हो जाता है और उसकी पत्नी मर जाती है राइट में, और देन ही टेक्स हिज फैमिली अब्रॉड, ही सेटल्स अराउंड इन लंडन फॉर सम टाइम, देन ही इज नॉट हैप्पी देयर बिकॉज ही फाइंड्स इट टू कोल्ड, देन ही मूव्स टू अदर कंट्रीज, गोज टू इटली, गोज टू अनदर प्लेस, फाइनली ही सेटल्स डाउन इन फ्रांस। फ्रांस में एक छोटे टाउन में वो अपना रेस्टोरेंट खोलता ही नहीं, और उसके सामने फ्रेंच रेस्टोरेंट है जो हेलन मिरेन का रेस्टोरेंट, और ही इज अ वेरी लविंग फादर, चार बच्चे हैं और अपनी बीवी को बहुत प्यार करता था, और बीवी को अभी भी ट्रांस में चला जाता है, बीवी के बारे में सोचता है, बीवी से बात करता है, एंड ही इज अ फादर फिगर ऑफ द फैमिली एंड वेरी हार्ड वर्किंग मैन, एंड हाउ ही ब्रिंग्स अप द रेस्टोरेंट अगेंस्ट ऑल ऑड्स बिकॉज इट इज नॉट ईजी टू एस्टैब्लिश अ इंडियन रेस्टोरेंट इन फ्रांस, and he works his way through, that is what his character is. And Helen Mirren ke saath uska bahut tanav rehta hai shuru mein, rivalry hoti hai, aur kyunki dono alag alag culture se hai to ek dusre ko samajh nahi pate ke kyon aisa behavior hai inka, jo ki hota hai jab aap do alag alag cultures hain, and since you don't know the reasons why you behave in a certain manner, so there is a friction between the two cultures. But eventually, एक human situation में आके जब दोनों एक human ढंग से सोचते हैं किसी incident के बारे में, तो वो एक दूसरे के नजदीक आते हैं, and then they develops into a very lovable and very compassionate relationship. Juhi Chawla, I didn't have any scene with her. She has a very small part in this, unfortunately, but she's a wonderful actress. I've seen her films, but I never got a chance to work with her. Maybe one or two films, she was also in the film, I was also in the film, but we never had any scenes together. I'm very proud of my journey in Western cinema. I mean, agar aap England mein jayenge aur film goer se puchenge, to they know the name. I was also given the OBE for my contribution to British cinema, and
it's I'm also fortunate to work with such big names. Underfoot Journey is a fun film and with a lot of emotions. It is not high drama. It is not gimmicks in the film. Gimmicks meaning आजकल जो कंप्यूटर पे सब एक्शन हवा में उड़ रहे हैं लोग और कारें उड़ रही हैं ये वो, इसमें वो झूठ नहीं है. इसमें जो भी आप देखेंगे वो सच है और इसमें ऐसा कुछ वो नहीं है जो कंप्यूटर की मदद से आपको जादू दिखाया जा रहा है. तो इसमें जादू नहीं है, इसमें ह्यूमन इमोशंस हैं और इसमें ह्यूमन ह्यूमर है. तो एंजॉयबल फिल्म है, जरूर देखिए.